हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एडुकेटर्स, इंजीनियरिंग इन एन इंजीनियर्ड वे। बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो आज मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा एक नया नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं इसका वेरियस पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग पोस्ट है, जो सिर्फ मैं इंजीनियरिंग वाला पोर्सन ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बाकी सब आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो पहला जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8। और यहाँ सारे पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 35 एंड मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का सारे के सारे पोस्ट के लिए। और दूसरा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का पोस्ट है मैकेनिकल का, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी है 6। तीसरा है सिविल का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी चाहिए 3 वैकेंसी है। चौथा है माइनिंग का, जिसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है 4। पांचवा है इंस्ट्रूमेंटेशन का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। फिर है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। तो इसी तरीके से बाकी सारे पोस्ट के बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। रेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी, आप इस वीडियो को पोस्ट करके बाकी सारे पोस्ट के बारे में यहाँ देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो कट ऑफ डेट और एज लिमिट और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जितना सारा क्राइटेरिया है वो इस डेट के हिसाब से, यानी कि 30 जून 2020 डेट के हिसाब से वो जज किया जाएगा। तो ये है आपका डेट, फिक्स डेट। सो नेक्स्ट देखते हैं अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। प्रोडक्शन वाला जो पोस्ट है उसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री। फिर 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन सारे फील्ड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैकेनिकल के लिए आपको मैकेनिकल में डिग्री चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर सिमिलरली सिविल के लिए आपको सिविल में डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री एंड 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। फिर माइनिंग के लिए सिमिलरली आपको माइनिंग में आपका डिग्री होना चाहिए एंड 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, जिसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इज रिक्वायर्ड एंड 2 साल का एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस इन सारे फील्ड में आप देख सकते हैं वीडियो को यहाँ पोस्ट करके, कौन सा फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आता है मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए, जिसमें भी आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट। बाकी सारा पोस्ट का आप यहाँ देख सकते हैं। तो बाद में आते हैं इसका जो कि है अदर जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ, जो है द अपॉइंटमेंट इज प्योरली फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स नॉट परमानेंट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है प्योरली, ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है। और इन बाकी सारे डिटेल्स के बारे में देखा जाए तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स जो लास्ट डेट है इसका वो है 30/6/2021 को इसका लास्ट डेट है। एंड फिर रिजर्वेशन की तरफ आते हैं, तो रिजर्वेशन में यहाँ पे SC ST अपर एज लिमिट जो है 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा फॉर SC एंड ST एंड 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा फॉर OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स। एंड OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स को इसी साल में अपना नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, इशूड इन द ईयर ऑफ 2021, यू कैन सी हियर। नाते दूसरे डिटेल्स के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन होगा पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर आपका एक इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा। हियर यू कैन सी आपको एक इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा, इंटरव्यू बेसिस में आपका फिर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं यही है इस पोस्ट के बारे में डिटेल्स में। और बाकी जो है आपका जो एप्लीकेशन आप कैसे अप्लाई करें, तो इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, www.cci limited.in
इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे अपना डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी जितना सारा जो कुछ है सब यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी जो इसका है सिलेक्शन प्रोसीड्योर, इंटरव्यू के साथ साथ और एक चीज़ होगा जो कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ होगा यहाँ पे। अदर बेनिफिट्स के बारे में बात किया जाए तो इसका मंथली जो रेन्यूमरेशन है वो 25,000 है, प्लस HRA 5,000 HRA है आपको दिया जाएगा। आपको मंथली लीव 20th लीव मिलेगा और मेडिकल फैसिलिटी सारे आपको मिलेगा जितना कंपनी का हिसाब से दिया जाता है, और लीव आपको ईयरली 20 डेज का लीव मिल सकता है आपको। तो यही है इन जनरल इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।